गोवा के बीजेपी विधायक और डिप्टी स्पीकर मार्कल लोबो ने कहा है कि वे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनके बचने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा है कि गोवा में नेतृत्व नहीं बदलेगा जब तक पर्रिकर हैं। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री रहेंगे और किसी ने भी उनकी जगह लेने की मांग नहीं की है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वे ठीक हो जाएं, लेकिन इसकी कोई संभावना नहीं है। यदि उन्हें कुछ हो जाता है तो अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। लोगों के अनुसार पर्रिकर की तबीयत बेहद खराब हो गई थी, इस वजह से इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी। गोवा में एक बार फिर लंबे समय से बीमार सीएम मनोहर पर्रिकर को बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। पार्टी के सीनियर नेता और डिप्टी स्पीकर माइकल लोबो ने माना है कि पार्टी में पर्रिकर की जगह किसी और को सीएम बनाने की चर्चा हुई है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि इसका फैसला आज पार्टी नेताओं और विधायकों की होने वाली बैठक में लिया जाएगा। इमरजेंसी मीटिंग रखा था कि पर्रिकर जी काफी बीमार हो गए हैं लास्ट नाइट से, और डॉक्टर्स उनको बार बार देख रहे हैं और वो भी कुछ ऐसा नहीं बोल रहे कि वो ठीक हो जाएगा, इसलिए इमरजेंसी मीटिंग रखा था कि आगे स्ट्रेटजी क्या करें।